हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ नाइटी से बैग जिसमें आप भाजी वगैरह ला सकते हैं और पुराने कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको नाइटी को फोल्ड कर लेना है। हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद इसका ये जो हिस्सा है, जो गले का भाग है और ये स्लीव का भाग है, उसको और नीचे का जो है इसको बराबर कर लेना है। सबसे पहले इसमें निशान लगाते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है 11। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और ये यहाँ पे ऐसा गोलाई करते हुए सेम ऐसा ही इधर भी करना है। ये देखिए, ये साइड का और ये साइड, दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे मैंने 11 लिया था और यहाँ पे मुझे 9 लेना है। 9 लेके यहाँ से इसको कट कर देना है। ये देखिए, इधर निशान हो गया। अब इसको हाफ हाफ, इसका नाइटी का हाफ निकालेंगे। ये देखिए, इसका हाफ है, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये नाइटी का हमें 2 पार्ट मिल गया है। जैसा निशान इसमें लगाया था सेम इसमें भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। निशान लगा के कट कर लेनी है। मेरा 2 हो गया है कट करके। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सिलने का तरीका। इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके ये देखिए, ये निशान से ये जो अपनी है, ये निशान से ये निशान तक इसको सिल लेना है। और ये सिंथेटिक है तो इसमें नॉर्मल सिलाई करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप इसमें मशीन चला सकते हैं। मैं इसमें हाथ की सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने नीचे सिल लिया है। अब इसका ये जो हम लोगों ने कटिंग किया था गले का भाग, इसको खोल लेना है। इसको भी खोलेंगे और ये जो ऐसे जुड़ा था, अभी इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना है। इसको ये साइड सीधा और सीधा के ऊपर रख के इसको ऐसे सिल देना है। नॉर्मल सिलाई करेंगे। सिंथेटिक नाइटी रहती है तो अभी इस टाइम बारिश का मौसम है तो फिर ये जल्दी सूख भी जाता है, टेंशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास सिंथेटिक नाइटी है तो वही यूज़ करें, सही रहेगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। ये देखिए, मेरा ये जुड़ गया। सेम ऐसे ही ये साइड का भी जोड़ लेंगे। इसको अच्छे से सिक्योर करते हुए कट कर देंगे। देखिए, मेरा बन के तैयार हो गया है। ऐसा ऐसा 2 बना है। इसमें देखिए कितने सामान आ सकते हैं। ये देखिए, मेरे सब पुराने कपड़े हैं और भाजी भी इसमें आप ला सकते हैं। बहुत इसमें कपड़े आ सकते हैं, आप पुराने कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको घर में बनाएं पुरानी नाइटी से। थैंक यू।